इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ने से वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेगी। किसानों की आमदनी और रोजगार का मुद्दा एक बार फिर रहा पीछे। जी हां, आपको बता दें कि आम बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाओं पर कई बड़े ऐलान किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बजट बढ़ा है और इससे वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के लिए नया रास्ता खुलेगा, लेकिन रोजगार और किसानों की आय जैसे मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, ये फिर से पीछे रह गए हैं। तो आइए इसी के साथ जानते हैं बजट 2021-22 की 5 सबसे अच्छी बातें और 5 सबसे खराब बातें। बजट 2021-22 में अगर अच्छी बातों की बात की जाए, जिसमें पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना शामिल है, जिसमें सरकार ने बजट में हेल्थ सेक्टर पर फोकस किया है। इसमें 64,180 करोड़ रुपए की नई पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना शामिल है। योजना के तहत 70,000 गांवों में वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए मिशन पोषण 2 लॉन्च होगा। हेल्थ सेक्टर पर अगले साल 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका असर गांव में रहने वाले देश के करीब 60% से ज्यादा आबादी को फायदा होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रेल, सड़क, बस और मेट्रो हैं, जिसमें सरकार ने रेल, बस, सड़क और मेट्रो को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। शहरी इलाकों में 20,000 नई बसें चलाई जाएंगी। Tier 2 शहरों में लाइट मेट्रो और न्यू मेट्रो चलाई जाएंगी। इटारसी विजयवाड़ा में फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाया जाएगा। अगले साल तक 8,500 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट शुरू होंगे। सड़क मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़ रुपए और रेलवे को 1.1 लाख करोड़ रुपए मिले। इससे देशवासियों को बेहतर और विश्वस्तरीय परिवहन सेवाएं मिलेंगी। इसके बाद आपको बता दें कि इनकम टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। कोरोना के कारण सरकार की आय में कमी आई थी, जबकि खर्च में बढ़ोतरी हो गई थी। ऐसे में इनकम टैक्स में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। टैक्स देने वालों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। नए करदाताओं को भी राहत मिली है। 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइलिंग से छुटकारा मिली है, जिसका असर देश में करीब 6 करोड़ करदाता है। इनमें से करीब 3 करोड़ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं। इन पर इस फैसले का पॉजिटिव असर होगा। इसके बाद आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस है, जिसमें बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए 7,400 प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। 13 सेक्टर्स के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI स्कीम को लाया जाएगा। अगले 3 साल में देश भर में 60 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने की योजना शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए नया बैंक बनाया जाएगा, जिसका असर देश में कारोबारी गतिविधियां बढ़ेगी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इसके बाद आपको बता दें कि सस्ती ज्वेलरी खरीद सकेंगी महिलाएं, जिसमें ज्वेलरी के शौकीन महिलाओं के लिए अच्छा बजट है। सरकार ने सोना चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी को 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया है। हालांकि सरकार ने 2.5% का अतिरिक्त कर लगाया है। अब सोना चांदी के आयात पर कुल 10.75% कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। कस्टम ड्यूटी में कटौती से ज्वेलरी की कीमतों में कमी आएगी, जिसका असर करीब 50 करोड़ महिलाएं अब सस्ती दरों पर ज्वेलरी खरीद सकेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं बजट 2021-22 के बुरे फैसले की, जिसमें नौकरियों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। बजट में रोजगार की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, जिससे युवाओं को नौकरियों और रोजगार के सपने को धक्का लगा है। हालांकि सरकार ने 1.5 लाख नौकरियों का ऐलान किया है, पिछले साल कितनों को रोजगार मिला इसका कोई आंकड़ा नहीं दिया गया। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा निवेश से रोजगार बढ़ने का सपना दिखाया गया है। किसानों की आय बढ़ाने पर कोई फोकस नहीं किया गया है। पीएम किसान राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। किसानों के लिए फायदेमंद योजनाओं पर आय और विचार के लिए आयोग का गठन नहीं किया गया है, जिसका असर करीब 14 करोड़ किसानों को आमदनी के मोर्चे पर सिर्फ मायूसी मिली है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सरकारी संपत्ति की बिक्री पर जोर दिया गया है। इस बजट में सरकारी संपत्ति की बिक्री पर ज्यादा ही फोकस किया गया है। सरकार इस साल BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, BEML, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को बेचना चाहती है। 2 सरकारी बैंक और 1 सहकारी बीमा कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। स्टेटस की बिक्री से मिलने वाली राशि का लक्ष्य घटाकर 1.75 लाख करोड़ रुपए किया गया है, जिसका असर इस कदम से युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के मौके कम होंगे और निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद आपको बता दें कि घर खरीदने का फिर सपना रहेगा अधूरा। इस बार नए घर खरीदने की छूट की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन लोगों को एक बार फिर निराशा मिली है। केवल लोन पर घर खरीदने वाली 1.5 लाख टैक्स छूट वाली पुरानी योजना को 1 साल बढ़ाया गया है। घर खरीदने की छूट संबंधी कोई नई घोषणा नहीं किया गया है। पहली बार घर खरीदने वालों को मायूसी मिली है। किफायती आवासों को लेकर नई योजना की उम्मीद थी, लेकिन इसका कोई ऐलान नहीं किया गया है, जिसका असर घर खरीदने की राह देख रहे करीब 5 करोड़ परिवारों को एक और लंबा इंतजार करना होगा।
हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।